हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? माई सेल्फ मनीषा राय। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर स्मॉल लेटर रिवीजन करेंगे, राइट? तो देखो बच्चों, आगे हमने लिखा था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश। यहाँ तक किया था। अब आज हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी फॉर ग्रेप्स, फिर वो जी फॉर ग्रेप्स ब्लू लाइन से रेड लाइन, ब्लू लाइन से रेड लाइन जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हाउस रेड लाइन से ब्लू लाइन, आई फॉर आइसक्रीम ब्लू लाइन से ब्लू लाइन में लिखना है, फिर जे फॉर जॉकर, जे फॉर जॉकर देखो ब्लू लाइन से रेड लाइन लिखना है ऐसे, ये ब्लू लाइन से रेड लाइन जे फॉर जॉकर। फिर लिखेंगे के फॉर काइट, के फॉर काइट तो वो लिखेंगे हम रेड लाइन से ब्लू लाइन, के फॉर काइट रेड लाइन से ब्लू लाइन के फॉर काइट। फिर लिखेंगे एल, तो एल हम लिखेंगे रेड लाइन से ब्लू लाइन, तो ये हुआ एल फॉर लायन। जी लिखेंगे, देखो फिर से जी लिखेंगे ब्लू लाइन से रेड लाइन, एच फॉर हाउस लिखेंगे रेड लाइन से ब्लू लाइन, फिर ब्लू लाइन से ब्लू लाइन में लिखेंगे आई फॉर आइसक्रीम, फिर ब्लू लाइन से रेड लाइन जे फॉर जॉकर, रेड लाइन से ब्लू लाइन के फॉर काइट, और रेड लाइन से ब्लू लाइन एल फॉर लायन। तो ऐसे हम फिर से पूरे का पूरा पेज लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर जी फॉर ग्रेप्स लिखेंगे ब्लू लाइन से रेड लाइन, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स। बच्चों देखो, आपको भी बोल के लिखना है मेरे साथ, जी फॉर ग्रेप्स ऐसे बोल के लिखना है, राइट? जी फॉर ग्रीन, ग्रीन यानी कि ग्रीन यानी कि लीला कलर, जी फॉर ग्रेप्स। फिर लिखेंगे एच, एच लिखेंगे रेड लाइन से ब्लू लाइन, एच फॉर हाउस, एच फॉर हाउस, एच फॉर हाउस, एच फॉर हाउस। देखो ये सब रिवीजन है, आगे आ गया है, राइट? आगे हमने पहले भी लिखा है, फिर से आज रिवीजन करते हैं। फिर लिखेंगे ब्लू लाइन से ब्लू लाइन, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट, I for ink pot, ऐसे लिखो I for ice cream। फिर J लिखना है blue line से red line, J for joker, कहाँ से लिखना है blue line से red line, J for jelly, देखो बच्चों आप jelly खाते हो ना, J for jelly, J for jelly, J for jacket, आप jacket पहनते हो ना winter में, तो वो J for जैकेट, ऐसे ब्लू लाइन से रेड लाइन। फिर लिखेंगे के, रेड लाइन से ब्लू लाइन ऐसे स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर ब्लू में ही के लिखना है ऐसे, के फॉर काइट, के फॉर काइट, के फॉर काइट, के फॉर कांगारू, के फॉर कांगारू, के फॉर काइट। फिर लिखेंगे एल फॉर लायन, रेड लाइन से ब्लू लाइन, तो एल फॉर लायन, एल फॉर लीफ, लीफ यानी कि पांदड़ू, एल फॉर लॉक, लॉक यानी कि ताड़ू, फिर एल फॉर लेग भी होता है, लेग यानी कि आपके जो पाव है ना वो, एल फॉर लेग, फिर एल फॉर लॉटस, लॉटस यानी कि कमर, एल फॉर लायन, एल फॉर लायन, एल फॉर लायन। ऐसे आपको पूरे का पूरा पेज लिखना है, फिर पीछे वाले पेज पे आपको होमवर्क करना है, फिर से वही लिखना है, राइट? ओके बच्चों, बाय। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।